गणतंत्र दिवस की इस पावन वेला पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूं और मैं सोचता हूं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव से भारत के आज़ादी के जब भारत 100 वर्ष पूरा करेगा तो दुनिया का सिरमौर भारत देश होगा और इस दिशा में एक झलक हम सब लोगों ने दुनिया के दो ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी और फ्रांस के राष्ट्रपति जी दोनों जयपुर में हम सब लोगों ने देखा है। और ये संकल्प हम लोग इसलिए भी है कि किस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, गरीब कल्याण की दृष्टि से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले, अर्थव्यवस्था में हम लोग टॉप 5 में पहुंचे और हमारी सैन्य शक्ति दुनिया में बड़ी है, हमारी स्वीकार्यता दुनिया में बड़ी है। तो ऐसे में एक ऐतिहासिक निर्णय भी हुए, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एक बड़ा केंद्र अयोध्या जी बना है, ये भी एक हुआ है, धारा 370 देश में हटी है। तो अनेक ऐतिहासिक निर्णय पिछले 10 वर्षों में हुए, तो हमारा गणतंत्र दुनिया का मजबूत गणतंत्र है और ऐसे में हम सब लोग इसको एक त्यौहार के साथ आज़ादी और एकता का प्रतीक भी है, इस नाते देश उन्नति और प्रगति की ओर बढ़े, इसमें हर व्यक्ति का सहयोग, श्रम और परिश्रम, सभी लोगों के सहयोग से भारत आगे बढ़ रहा है। सबको मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामना देता हूं। राजस्थान को लेकर बताएं कि देश बढ़ रहा है, 5वीं विश्व आर्थिक शक्ति होगी, अब राजस्थान को प्रगति के पथ पर किस तरह आगे बढ़ना होगा? जो 5 साल देखिए, राजस्थान भी जब से प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से राजस्थान में भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान बने, इस दिशा में अनेक कदम उठाए और इस दिशा में हम सब लोग देखेंगे आगामी दिनों में राजस्थान सशक्त राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, स्वच्छ राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। उनका इंजन तो फेल हो चुका है, उनको जो मैंडेट दिया है जनता ने उसका सम्मान करते हुए जो काम वो 5 वर्ष में नहीं कर पाए वो मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में मात्र 1.5 महीने में अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए हैं जो राजस्थान की जनता इंतजार कर रही थी। तो उनको चूंकि सरकार जाने का थोड़ा दर्द जरूर होगा, लेकिन जनता के जनमत का स्वीकार करना चाहिए और राजस्थान के बढ़ते कदम को देखना चाहिए और वो देखेंगे।